आज के क्लास में हम स्टार्ट कर रहे हैं रिवीजन ट्राइंगल्स का। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल हैं, इसमें ए बी डी ई के इक्वल है, ए बी इक्वल टू डी ई, बी सी इक्वल टू ई एफ, ये गिवन है। तो बोले नेम द पेयर्स ऑफ इक्वल एंगल्स, कौन से एंगल्स आपस में इक्वल होंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे देखना पड़ेगा कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ में कौन से पॉइंट्स किस पे कोरस्पॉन्ड कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट किस पॉइंट के ऊपर आएगा, कोरस्पॉन्डेंस मैच करना पड़ेगा। तो आपको पता है यहाँ ए बी है, यहाँ बी सी है, दोनों में क्या कॉमन है, बी, और यहाँ डी ई है, यहाँ ई एफ है, दोनों में क्या कॉमन है, ई, मतलब बी के कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट कौन सा है, ई, ए बी डी ई, तो ए के कोरस्पॉन्डिंग कौन सा हो गया, डी, एंड सी के कोरस्पॉन्डिंग क्या बचा, एफ, तो एंगल बी एंगल ई के इक्वल, एंगल ए एंगल डी के इक्वल, एंगल सी एंगल एफ के इक्वल, ट्राइंगल ए बी सी विल बी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ इटसेल्फ, नेम सेम मैच हो गए जो डी ई एफ था, है ना, अदरवाइज हम इस तरह से मैच करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में आपको बोला है इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, दो ट्राइंगल हैं, एक ए बी सी है, दूसरा डी ई एफ है, और हमें क्या गिवन है, सच दैट एंगल ए एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल ई के इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, मतलब तीनों ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल के ऑल द थ्री एंगल्स आर इक्वल। तो पूछा है आर द टू ट्राइंगल्स नेसेसरीली कॉन्ग्रुएंट, तो क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे। ये क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि इफ ऑल एंगल्स ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन आर द ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो आप बताइए कि दोनों यदि सारे एंगल इक्वल हैं तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता है क्या। हमने कॉन्ग्रुएंसी के कौन से क्राइटेरिया पढ़े थे, हमने जो पढ़ा था वो था साइड साइड साइड, तीनों साइड इक्वल हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, दो साइड इंक्लूडेड एंगल एस एस तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ए एस ए दो एंगल इंक्लूडेड साइड तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, ए ए एस दो एंगल इक्वल और एक साइड इक्वल तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट, एंड आर एच एस कोई सा भी क्राइटेरिया उठा के देखो, वन टू थ्री, इन तीनों में आपके दो साइड्स आ रही हैं और इन दोनों में दो एंगल के साथ एक साइड आ रही है, मतलब एंगल के अलावा यू मस्ट नो रिलेशन बिटवीन द साइड्स, है ना, एटलीस्ट एक साइड तो पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर हमको बोला है ऑल द एंगल्स आर इक्वल, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे, क्योंकि सिर्फ एंगल इक्वल होने से, यदि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते तो मैं आपको बोलती हूँ कि मेरे पास एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसकी साइड है 2 सेंटीमीटर, एक और इक्विलेटरल ट्राइंगल है, मान लो इसकी साइड है 5 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल कितने के होते हैं, 60 डिग्री के हमने किया है, तो इसके सारे एंगल 60, इसके भी सारे एंगल 60, पर क्या मैं इसको इस पर उठा कर रखूँ तो ओवरलैप करेगा, नहीं करेगा, यू कैन सी दिस इज़ बिगर दिस इज स्मॉलर, है ना, वो ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो ट्राइंगल्स एंगल इक्वल होने से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, क्योंकि ये कोई क्राइटेरिया नहीं है, ये क्राइटेरिया है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स का, जो आप 10th क्लास में ट्राइंगल्स में सिमिलैरिटी पढ़ेंगे कि ट्राइंगल एक जैसे दिखेंगे, कि एंगल इक्वल है तो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इफ ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स, ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स सच दैट ए सी 2.5 है, बी सी 5 है, एंड एंगल सी 75 डिग्री है, इस एंगल की वैल्यू 75 डिग्री है, तो हमको क्या बोला है, डी ई 2.5 है, इसकी वैल्यू भी 2.5 है, और डी एफ 5 है, दिस इज 5, एंड एंगल डी 75 डिग्री है, ये वाला एंगल 75 डिग्री है, तो आर टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे क्या, बिल्कुल हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, कि ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल है, तो ट्राइंगल ए सी बी, नाम क्या होगा, ट्राइंगल ए सी बी कॉन्ग्रुएंट होगा, सी की जगह पर क्या आ रहा है, डी, हाँ, और ए सी इस 2.5, तो यहाँ क्या आएगा, ई डी एफ,
या ए बी सी लिखते नेमिंग, ए बी सी करते तो ये होता ई एफ डी, कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ई एफ डी, कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप जानते हैं, अदरवाइज बाकी चीज़ें मैच नहीं होगी। तो ए एस ए से, सॉरी एस ए एस, दो साइड इंक्लूडेड एंगल, साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड ए डी सी, इफ ए बी इक्वल टू ए डी एंड बी सी इक्वल टू सी डी, आर दे कॉन्ग्रुएंट। नाम पे ध्यान दें, ट्राइंगल का नाम है ए बी सी एंड ए डी सी, ए और सी, ए और सी दोनों में आ रहा है। तो जब हम इस ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे तो आपको ध्यान रखना है, यू कैन नॉट मेक टू डिफरेंट डायग्राम्स, क्योंकि ए सी इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, इस ट्राइंगल का भी पार्ट है, दोनों में ए सी आना चाहिए। तो यदि हमने ये बना दिया ट्राइंगल ए बी सी, तो हमें क्या पता है कि ए सी तो दूसरे ट्राइंगल का भी पार्ट है, तो आप ए डी सी ऐसे बना सकते हैं, ए डी सी ए बी सी, या हम क्या कर सकते थे कि हम ये इधर ले लेते, कहीं डी यहाँ पर आ जाता, ए डी सी इधर ही ले लेते, या आप ऐसे ले लेते कि ए डी सी ना इधर ले लेते, इस तरह से कैसे भी बना सकते हो, बट व्हाट यू शुड रिमेंबर कि ए और सी इस ट्राइंगल का पार्ट होंगे, है ना। तो अब यहाँ पर देखो, आपने कैसा भी डायग्राम बनाया हो, अब आपको क्या क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि ए बी ए डी के इक्वल है, ए बी एंड ए डी ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल, एंड बी सी सी डी के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और अब हमें पूछा है क्या ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये वाली साइड इसके इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और ये वाली साइड दोनों में क्या है कॉमन, मतलब मैं उठा के इसको यहाँ रख दूँ सी को, तो ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए डी सी के बाय एस एस एस, ऑल द साइड्स आर इक्वल, तो ऐसे जैसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड सी डी ई, अभी क्या बोला ए बी सी एंड सी डी ई, तो सी कॉमन है, सी डी ई ऐसे भी बना सकते हैं, आपको याद रखना है सी आना चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। तो ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल सी डी ई क्या गिवन है, ए बी सी एंड सी डी ई, इफ़ ए सी सी ई के इक्वल है, इफ ए सी इक्वल टू सी ई ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, एंड बी सी इक्वल टू सी डी ये वाली साइड इसके इक्वल है, तो आपको क्या दिख रहा है, ये लाइन क्रॉस कर रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, एंगल एंगल ए 60 एंगल सी 30 है, एंगल ए 60 है, सॉरी एंगल ए 60 है, एंगल सी 30 है, और एंगल डी 90 है, ये वाला एंगल 90 है। तो आपसे पूछा आर द टू ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो बेटा इसमें क्या हुआ, ये दोनों साइड इक्वल है, हाँ ये वर्टिकली अपोजिट से इक्वल होगा, ये 60 प्लस 30 90, तो ये एंगल भी क्या आएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 90, तो ये 30 से इक्वल हो गया, ये 90 इक्वल है, तो तीनों एंगल भी इक्वल है। तो आप यहाँ साइड एंगल साइड भी लगा सकते हो, या ए एस ए भी लगा सकते हो, तो ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो यस ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है जिसमें ए बी ए सी के इक्वल है, बी ई एंड सी एफ आर इट्स टू मीडियंस, मतलब बी ई और सी एफ मीडियन है, इसका क्या मतलब हुआ कि ए बी और ए सी आपको इक्वल गिवन थी, तो उनके हाफ भी क्या होंगे, हाफ ऑफ ए बी हाफ ऑफ ए सी के इक्वल होगा, और एफ बी ई मीडियन है, मतलब ए ई ई सी दोनों हाफ ऑफ ए सी के इक्वल, तो ए ई ई सी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी के, सी एफ मीडियन है मतलब ये भी मिड पॉइंट है, तो ए एफ और बी एफ हाफ ऑफ ए बी के इक्वल है, तो ए एफ बी एफ और ये सब आपस में 1 2 3 4 ये चारों पार्ट्स आपस में इक्वल हो गए। अब हमसे क्या पूछा है, शो दैट बी ई इक्वल टू सी एफ, कैन वी मेक ट्राइंग बी ई इक्वल टू सी एफ,
हाँ, हमको प्रूफ करना है कि ये BE और ये CF आपस में इक्वल हैं ये वाली साइड्स को। तो आप देखो एक बार ट्राइंगल ABE ले लें, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, तो इन दोनों में AB और AC इक्वल है, AB AC के इक्वल है, और इसमें AF आ रही है, इसमें AE आ रही है, इसमें AF आ रही है, तो AE AF भी इक्वल है, और ये वाला एंगल दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। तो क्राइटेरिया कौन सा लग गया, साइड एंगल साइड, ऐसे ऐसे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, तो CPCT से आपका क्या हो जाएगा, BE एंड CF आर इक्वल। तो यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि क्या BE CF के इक्वल है, तो ये आपका NCERT का क्वेश्चन है, आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंपली फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। यू शुड रिमेंबर द वैल्यू, इक्विलेटरल ट्राइंगल मीन्स ऑल साइड्स आर इक्वल एंड एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ये दोनों साइड यदि इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब ये वाली साइड इसके इक्वल है तो ये दोनों एंगल भी क्या हो गए, इक्वल। ऑल द एंगल्स आर इक्वल एंड बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल, तीनों का सम कितना होगा 180। तो x plus x इक्वल टू 180, सो 3x इक्वल टू 180, तो x क्या हो गया 180 डिवाइडेड बाय 3, कैंसिल किया, आंसर क्या आ गया 60 डिग्री। तो आपकी x की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री। ऑल द एंगल्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल आर ऑफ 60 डिग्री ईच, ये बिल्कुल याद रखो। और यदि आपको बोल दिया राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में फाइंड द बेस एंगल्स, आइसोसेलेस ट्राइंगल राइट एंगल, तो हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, तो ये तो बड़ी होगी। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं तो एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो बेटा ये वाला एंगल और ये एंगल भी आपस में क्या हो गए, इक्वल। फिर से एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाए, एक एंगल 90 हो ट्राइंगल का तो बचे हुए दो एंगल का सम भी क्या होगा 90, क्योंकि तीनों का सम 180 में से 90 माइनस किया तो बचेगा 90। तो आपका इन दोनों का सम दैट इज एक्स प्लस एक्स 2x इक्वल टू 90, तो x की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री। तो ये दोनों एंगल कितने के आएंगे 45 डिग्री के, और यदि किसी ट्राइंगल में राइट ट्राइंगल में दोनों एंगल इक्वल हो तो ये साइड्स भी इक्वल होंगी, है ना। हर तरह से हर चीज़ हमें याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन अ साइड CD ऑफ अ स्क्वायर ABCD। एक स्क्वायर है ABCD, CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म्ड ऑन साइड CD ऑफ स्क्वायर, शो दैट ट्राइंगल ADE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BCE। ADCDE इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हम स्क्वायर की साइड के इक्वल लेंगे, तो ये पॉइंट हमने ई बोल दिया, तो CDE इक्विलेटरल ट्राइंगल है मतलब ये सब साइड इक्वल हो गई। एंड शो दैट ट्राइंगल ADE, ADE को भी ज्वाइन कर दे तो ट्राइंगल ADE कॉन्ग्रुएंट है CDE से। तो आपको क्या पता है कि ये साइड तो स्क्वायर की साइड है, ये भी स्क्वायर की साइड है, तो ये सारी साइड आपस में क्या हो गई इक्वल, ऑल द साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल्स आर इक्वल, है ना, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारी साइड इक्वल, और एक साइड किसकी आ गई स्क्वायर की, तो स्क्वायर की साइड यदि मान लो 3 थी, ये भी 3 है, ये 3 था, ये भी 3 है, ऑल द साइड्स आर इक्वल, ट्राइंगल किससे कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड 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 SSS से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। नेक्स्ट है प्रूव दैट सम ऑफ 3 एल्टीट्यूड, ये नहीं आएगा। अब आपको ये डायग्राम दिया है AB AC के इक्वल है, ये वाली साइड इसके इक्वल है, और एंगल B एंगल C के इक्वल है, ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, और हमको बताना है BQ एंड CP आर इक्वल। तो हमको अब क्या बोलेंगे कि ये इनमें क्या रिलेशन है, या चेक करो। तो आप देखें ये रेड रेड साइड इक्वल है, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, और ये एंगल इन दोनों ट्राइंगल में, इस ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में एंगल A पूरा एज इट इज़ आ रहा है। तो ये एंगल, ये साइड, ये एंगल ASA से ट्राइंगल क्या हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो CPCT से BQ इक्वल टू CP आ जाएगा। अब आपके क्वेश्चन है फर्स्ट इफ ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है LKM के, देन साइड ऑफ ट्राइंगल LKM इक्वल टू साइड AC ऑफ ट्राइंगल ABC।
ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो एलकेएम की कौन सी साइड एसी के इक्वल होगी? तो आपको क्या करना है, एसी, तो यहाँ क्या हुआ एलएम, जैसे यहाँ गए एसी किसके इक्वल हुई, एलएम के, किससे इक्वल हुई, बाय सीपीसीटी। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यू शुड रिमेंबर दैट कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर इक्वल। सीपीसीटी मतलब कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, इसलिए बिल्कुल याद रखना, कन्फ्यूजन मत रखना। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एल एम, दैट इज ऑप्शन सी। यदि बी सी पूछा होता तो बी सी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हुआ, के एम, और ए बी पूछा होता तो यहाँ क्या आता, एल के, है ना, कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना आना चाहिए। इफ ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ए सी बी से, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ए सी बी के, तो बोल रहा है कि ट्राइंगल ए बी सी आइसोसेलेस है और कौन सी साइड इक्वल होगी, तो हम इसमें देखें सिंपली ए बी किसके इक्वल हुआ, ए सी के, बाय सी पी सी टी, और यहाँ से देखें तो बी सी इक्वल टू बी सी एंड ए सी इक्वल टू ए बी, तो ए बी और ए सी इक्वल है, हाँ इस ट्राइंगल का ए सी और इसका ए बी आपस में इक्वल है और इसका ए बी इसके ए सी के इक्वल है, तो एक्चुअली ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो ट्राइंगल क्या है आइसोसेलेस, तो ऑप्शन क्या आएगा, ए बी इक्वल टू ए सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर एंड ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है किसके साथ, पी क्यू आर के, एंड ट्राइंगल ए बी सी इज नॉट कॉन्ग्रुएंट टू आर पी क्यू, ये इसके साथ कॉन्ग्रुएंट नहीं है और इसके साथ कॉन्ग्रुएंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, तो क्या दिख रहा है बी सी इक्वल टू पी क्यू, तो बी सी किसके इक्वल होगा, क्यू आर के, तो यही इनकरेक्ट है। ए सी इक्वल टू पी आर, यहाँ ए सी यहाँ पी आर, ये करेक्ट है, हाँ, और क्या है ए बी इक्वल टू पी क्यू, ए बी एंड पी क्यू, वो भी करेक्ट है, और क्यू आर इक्वल टू बी सी, क्यू आर इक्वल टू बी सी, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, तो बाकी के तीनों करेक्ट है। फर्स्ट, बी सी पी क्यू के इक्वल नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बी सी तो क्यू आर के इक्वल है और ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, यदि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होता तो बी सी पी क्यू के इक्वल भी आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर थ्री इक्वलिटी रिलेशंस बिटवीन सम पार्ट्स आर एज फॉलोज, हमको रिलेशन दे दिए और बोला आप बताओ कि ट्राइंगल कौन से क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हुए, तो क्या गिवन है, ए बी क्यू पी के इक्वल है, तो मैंने सिंपली ट्राइंगल ए बी सी बना दिया। अब दूसरा जो ट्राइंगल है पी क्यू आर, तो ए बी क्यू पी के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, तो बी पर क्या आएगा पी, बी के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है पी, और यहाँ क्यू पी है यहाँ ए बी है, तो ए पे क्या आ गया क्यू, यहाँ क्या बचेगा आर, तो अब आप देखो बी सी पी आर के इक्वल है, बी सी पी आर के इक्वल है, ए बी पी क्यू के इक्वल है एंड एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, तो कौन सा क्राइटेरिया अप्लाई हो रहा है आपका, साइड एंगल साइड, एस ए एस से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर एंगल ए एंगल आर के इक्वल है, ए एंड आर आर इक्वल, फिर बी पी के इक्वल है, बी एंड पी आर इक्वल एंड ए बी आर पी के इक्वल है, तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये एंगल ये साइड ये एंगल, ये एंगल ये साइड ये एंगल, तो क्राइटेरिया कौन सा हुआ ए एस ए। इन ट्राइंगल इफ ट्राइंगल पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ई एफ डी के,
तो ई डी किसके इक्वल है, देखो ई डी तो यहाँ क्या आएगा पी आर, ई डी किसके इक्वल हुआ पी आर बाय सी पी सी टी, और क्यू आर किसके इक्वल होता, क्यू आर इक्वल टू एफ डी, पी क्यू इक्वल टू ई एफ, एंगल पी एंगल ई के इक्वल, एंगल क्यू एंगल एफ के इक्वल, एंगल आर एंगल डी के इक्वल, कॉरस्पॉन्डेंस मैच करना है सी पी सी टी से, सारी कंडीशन आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ ट्राइंगल पी क्यू आर इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ई एफ डी, पी क्यू आर एंड ई एफ डी कॉन्ग्रुएंट है तो एंगल ई की वैल्यू क्या हुई, तो एंगल ई यहाँ लिखा है यहाँ पी लिखा है, तो एंगल ई की वैल्यू एंगल पी के इक्वल होगी बाय सी पी सी टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी इफ़ ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी सी में ए बी ए सी के इक्वल है एंड हमने बी सी को प्रोड्यूस किया, तो बी से सी होते हुए इधर प्रोड्यूस करेंगे टू पॉइंट डी, सच दैट एंगल ए सी डी 100 डिग्री है, तो आपसे पूछा एंगल ए की वैल्यू बताइए, तो वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना है ना, बिना ट्राई के सॉल्यूशन मत देखो। तो आपको क्या बोला था, ए बी एंड ए सी आर इक्वल, तो हमको क्या पता है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो ए बी के अपोजिट ये एंगल है और ए सी के अपोजिट ये एंगल है, दोनों आपस में क्या हो गए इक्वल, पर हमसे पूछा तो एंगल ए है, तो भाई पहले ये एक्स निकलेगा तभी ए निकलेगा, बिना एक्स निकले ए नहीं निकल सकता। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसमें देखें ये स्ट्रेट लाइन, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180, रीज़न लीनियर पेयर, एक्स प्लस 100 इक्वल टू 180, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 80 डिग्री, ये वाला एंगल आपका 80 है। अब आप एंगल सम प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं और आप एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं, जैसे ए प्लस एक्स इक्वल टू 100, ये ट्राइंगल की साइड, ये ट्राइंगल की एक्सटेंडेड साइड, तो ए प्लस एक्स इक्वल टू 100, एक्स हम कैलकुलेट कर चुके हैं 80, 80 प्लस ए इक्वल टू 100, ए की वैल्यू क्या आ गई 100 माइनस 80 दैट इज 20, एंगल ए की वैल्यू आ गई 20 डिग्री। ध्यान से करना, जो पूछा है वही निकालना है, आप सिर्फ 80 निकाल दोगे तो दैट विल बी इनअप्रोप्रिएट, आपसे वो नहीं पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इफ द वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स देन द मेजर ऑफ वर्टेक्स एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज, तो हमने एक ट्राइंगल बना दिया ए बी सी, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल में दो साइड इक्वल है, तो दोनों साइड इक्वल है तो एंगल अपोजिट इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये दोनों एंगल क्या हो गए इक्वल। अब हमें क्या बोल रहा है, वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल कौन सा हुआ, एंगल ए, जो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल्स आर नोन एज बेस एंगल्स, तो वर्टेक्स एंगल इज ट्वाइस द सम ऑफ द बेस एंगल्स, इन दोनों सम का डबल, मतलब आपको क्या गिवन है, एंगल ए इक्वल टू टू टाइम्स एक्स प्लस एक्स, तो टू इंटू एक्स प्लस एक्स इज टू एक्स, तो एंगल ए की वैल्यू आपकी एक्चुअली क्या आई 4x, ये चीज़ आप ओरली कर सकते हैं, है ना, समझ गए होंगे आप, तो एंगल ए की वैल्यू 4x हो गई। अभी ट्राइंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 होना चाहिए, एंगल सम प्रॉपर्टी तो अप्लाई होगी ना, तो 4x प्लस एक्स प्लस एक्स तो क्या हो गया, ऐड करेंगे दिस इज इक्वल टू 180, ऐड हुआ 4 1 5 1 6, 6x इक्वल टू 180, तो x की वैल्यू क्या आ गई 180 अपॉन 6 दैट इज़ 30 डिग्री, x की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। अब x 30 है पर आपसे क्या पूछा है, वर्टेक्स एंगल, तो वर्टेक्स एंगल क्या है 4 टाइम्स 30, तो 30 × 4 आंसर आएगा 120 डिग्री। जितनी कम स्टेप में कर लो उतना बेटर, कंसेप्ट याद रखना, बेस एंगल वर्टेक्स एंगल ट्वाइस द सम, मतलब क्या करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स ए बी सी, ट्राइंगल है और इसके मिड पॉइंट्स हैं, डी किसका है बी सी का, बी सी का मिड पॉइंट है डी, सी ए का मिड पॉइंट है ई और ए बी का मिड पॉइंट है एफ, और हमने इनको ज्वाइन करके ये ट्राइंगल बना दिया। देन ट्राइंगल डी ई एफ किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, तो हमने एन सी आर टी में सॉल्व एग्जाम्पल था, देखो ये वाली साइड इसके हाफ के इक्वल और पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये वाली साइड इसके हाफ के इक्वल और पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये वाली साइड इसके इक्वल एंड हाफ के इक्वल और पैरेलल होगी बाय मिड पॉइंट थ्योरम,
तो यू नो दैट ये मिड पॉइंट्स हैं, ये जो है ये सब मिड पॉइंट हैं, मतलब ये वाली साइड इसके भी इक्वल, ये वाली साइड इसके भी इक्वल और पैरेलल भी, तो ये शेप क्या बनेगा, दिस विल बी अ पैरेललोग्राम। एंड यू नो दैट इन पैरेललोग्राम डायगोनल ऑफ अ पैरेललोग्राम डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, और यहाँ भी ये पैरेललोग्राम बन गया, यहाँ भी ये पैरेललोग्राम बन गया, तो सारे ही ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे इस ट्राइंगल के साथ। तो आंसर क्या आएगा, ए बी सी तो आ नहीं सकता क्योंकि डी एफ छोटा है, तो ए बी सी कैंसल, ए ई एफ, ओनली ए ई एफ नहीं होगा, ओनली बी एफ डी या सी एफ नहीं होगा, ये तीनों ट्राइंगल 1 2 3 ये तीनों ट्राइंगल ये बीच वाले ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट होंगे। और ये क्वेश्चन अभी नहीं आएगा क्योंकि ये आपका मिड पॉइंट थ्योरम पे बेस्ड है जो अपन क्वाड्रिलेटरल्स में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने करवा दिया है ना, तो आंसर इसका लास्ट आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल, वैसे कौन सा कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया नहीं है, तो साइड एंगल, साइड तो है, साइड साइड एंगल, ये क्राइटेरिया पढ़ा है क्या, मैंने पढ़ाया क्या, आपने किसी बुक में पढ़ा नहीं, एस एस ए नहीं होता, एस ए एस होता है, दो साइड इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो, दो साइड और कोई भी एंगल हो तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं होते, ये क्राइटेरिया नहीं है, ए एस ए है, एस 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 है ना, आर एच एस है, पर ये ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट है, इन द फिगर 10.3135 द मेजर ऑफ एंगल बी ए डैश सी डैश इज, मेजर ऑफ एंगल बी ए डैश सी डैश, एंगल बी ए डैश बी डैश ए डैश सी डैश, बी डैश ए डैश सी डैश, ये वाला एंगल हमसे पूछा है, और हमें क्या नज़र आ रहा है कि भाई ये वाली साइड 6 है, ये भी 6 है, ये 5 ये 5, ये एंगल 60 ये एंगल भी 60, तो ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी डैश बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो सी पी सी टी से आपको क्या पता है कि ये वाला एंगल ए इस ए डैश के इक्वल होना चाहिए बाय सी पी सी टी, दैट इज करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है ना। तो एंगल ए की वैल्यू क्या दी है 3x, और यहाँ क्या दिया है 2x + 20, तो हम क्या करेंगे 3x = 2x + 20, ये 2x आकर इधर ट्रांसपोज होगा तो 3x - 2x हो जाएगा है ना, ये इधर आया तो माइनस हो गया और इक्वल टू 20, 3x - 2x x बचेगा, x की वैल्यू क्या आ गई 20, पर हमसे x नहीं पूछा है, हमसे पूछा है इस एंगल की वैल्यू, तो इस एंगल की वैल्यू निकालने के लिए या तो आप, आपको पता है दोनों इक्वल हैं तो 23 करके 60 कर दो, या 22 40, 40 + 20 आंसर क्या आएगा 60 डिग्री, एंगल ए डैश आपका हो गया 60 डिग्री। अच्छा यदि आपसे एंगल सी पूछ लिया होता या सी डैश, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल से निकल जाता, ये 60 ये 60 तो ये भी क्या होगा 60, तो क्वेश्चन सही नहीं है। क्वेश्चन सही क्यों नहीं है, क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल है तो सारे साइड इक्वल होना चाहिए, 5 नहीं देनी थी, ये गलत दिया इन्होंने है ना, आप इस कंक्लूजन पे भी पहुंच गए कि इन्होंने क्वेश्चन गलत दे दिया, क्योंकि दे जस्ट फोकस्ड ऑन द एंगल कंसेप्ट, दे डिडंट फोकस कि सारे क्वेश्चन सारे एंगल 60 आ जाएंगे तो इक्विलेटरल बन जाएगा, इक्विलेटरल मतलब ऑल साइड शुड बी इक्वल, तो यदि 6 है तो सारी साइड 6 होनी चाहिए थी, 5 है तो सारी साइड 5 होना चाहिए थी है ना। उन्होंने यहाँ अलग अलग वैल्यू क्यों दी, ताकि आप उसको मैच करके ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर पाओ, दोनों जगह 6 लिख देते तो आपको कन्फ्यूज़न होता, बिकॉज दे जस्ट वॉन्टेड यू टू नो दैट ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है और ये एंगल इसके इक्वल है ना। तो आपका x का आंसर क्या आ गया, इसमें x 20 था, एंगल की वैल्यू आ गई 60 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड डी ई एफ आर टू ट्राइंगल्स सच दैट ट्राइंगल ए बी सी एफ डी ई के कॉन्ग्रुएंट है, नाम पे ध्यान दें, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एफ डी ई के, ए के कॉरस्पॉन्डिंग एफ, बी के कॉरस्पॉन्डिंग डी, सी के कॉरस्पॉन्डिंग ई। अब हमें क्या बोला है, ए बी 5 है, एंगल बी 40 है और एंगल ए 80 डिग्री है,
तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ओके, मैंने आगे का लगाया ही नहीं. तो हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पर? ये 80 है, ये 40 है. तो ये एंगल भी क्या होगा? 80. ये भी क्या होगा? 40. 80 प्लस 40 कितना हुआ? 120. तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये वाला एंगल कितना आएगा? 60. ये एंगल भी क्या होगा? 60. तो एंगल सी एंगल ई के इक्वल होगा 60 डिग्री. एंगल बी डी के इक्वल होगा 40 डिग्री. एंगल ए इक्वल टू एफ इक्वल टू 80 डिग्री. तो ये सिंपल कंसेप्ट है. आप एंगल डी को एफ को लिख सकते हो 2 times एंगल बी, क्योंकि ये 40 है, ये 80 है. इस तरह से पूछ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, है ना? तो कंसेप्ट क्लियर? तो ट्राइंगल्स को एक बार फिर से रिवाइज कीजिए. अब आपका एटीट्यूड उसके प्रति थोड़ा सा ये चेंज हो जाएगा कि जो प्रूफ दैट के क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी में, उस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में प्रूफ करने को नहीं आएंगे. पर कई क्वेश्चन जो हैं जिसमें सीपीसीटी से आपकी कंडीशन निकलती है, तो हमसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सी साइड किसके इक्वल है, है ना? ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद ही होता है. दूसरा हमसे क्या पूछ सकते हैं? किस क्राइटेरिया से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं? या साइड दे दी हमको, एंगल नहीं दिया, हमसे पूछ लिया कौन सा एंगल इक्वल होना चाहिए ताकि ये क्राइटेरिया अप्लाई हो. तो कंसेप्ट आपको पता है, बस प्रैक्टिस करो. एनसीईआरटी के क्वेश्चंस चाहो तो एक बार फिर से पूरी रिवाइज कर सकते हो, आपके पास है, है ना? तो कीप प्रैक्टिसिंग. और आपके जो भी डाउट है वो आप सेंड करो, तो मैं उसका भी सॉल्यूशन वीडियो में डाल दूँगी. ठीक है, थैंक यू.